पुलिस जब किसी भी व्यक्ति को पुलिस रिमांड में लेती है तो क्या उसे उस व्यक्ति को मारने का कोई अधिकार होता है क्या? क्या होती है पुलिस रिमांड और क्या होता है जुडिशियल रिमांड? और मारपीट की कोई घटना से बचने का कोई रास्ता है या नहीं है? है रास्ता, बताऊंगा इस वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुनील दीक्षित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीक्षित लीगल में स्वागत करता हूं। किसी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होता है और उस मुकदमे में रिकवरी होनी है किसी चीज की, उस केस में पुलिस कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन करेगी ही करेगी। जैसे किसी मामले में किसी के ऊपर आरोप लगाया गया कि इस व्यक्ति ने किसी का मोबाइल लूट लिया है, किसी के गहने लूट लिए हैं, तो एक केस प्रॉपर्टी है जो रिकवर की जा सकती है, ऐसे कोई आरोप लगा दिए गए हैं, तो उस केस में पुलिस अरेस्ट करेगी कि वह जो सामान है उस व्यक्ति से रिकवर किया जाए, उसने कहाँ छिपाया है या किसी को बेच दिया है तो रिकवर किया जाए, तो उसके लिए उसको पुलिस रिमांड की आवश्यकता होगी पुलिस की। तो अरेस्ट करने के बाद पुलिस रिमांड लेने के लिए कोर्ट में जाती है उस व्यक्ति को लेके, या तो सभी को पता है कि जब अरेस्ट किया तो उसके बाद कोर्ट में लेके जाएगी 24 घंटे के अंदर। बट कभी यह सोचे हैं कि वह 24 घंटा स्टार्ट कब से होता है? पुलिस बेशक किसी को कितने बजे उठा कर लेकर आए, अगर किसी को 6 बजे सवेरे उठा लाई लेकिन उसने अरेस्ट मेमो शाम को भरा है अगर 4 बजे, तो वह टाइम शाम के 4 बजे से स्टार्ट होगा और अगले दिन 4 बजे तक रहेगा। तो अरेस्ट मेमो जिस भी वक्त भरा जाता है उसी वक्त से टाइम जो होता है उनका 24 घंटा स्टार्ट होता है। तो जब कोर्ट में लेकर आएगी तो उस केस के जो इन्वेस्टिगेशन अफसर होंगे उनके पास दो ऑप्शन है। अगर उनको कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है तो यह एप्लीकेशन देंगे कि इस व्यक्ति को जुडिशियल कस्टडी में या जुडिशियल रिमांड में भेज दिया जाए 14 दिनों के लिए, यह एप्लीकेशन लगाएंगे और कोर्ट उस व्यक्ति को जुडिशियल कस्टडी में लेके जो डिस्ट्रिक्ट जेल है उस जेल में भेज देगी। और उस अगर आईओ को कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है तो या तो कोर्ट से परमिशन लेंगे या जेल सुपरिटेंडेंट से परमिशन लेने के बाद ही उस व्यक्ति से कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन पूछताछ करेंगे। ये हो गई, इसी को कहते हैं जो 14 दिन की जो होती है इसको कहते हैं जुडिशियल रिमांड या जुडिशियल कस्टडी। अब दूसरी कंडीशन यह हुई कि नहीं, हमको यह व्यक्ति चाहिए, हम इस व्यक्ति से उस सामान की रिकवरी करवाएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, पुलिस रिमांड की एप्लीकेशन लगाएंगे कोर्ट में, परमिशन मांगेंगे कि हमको इस व्यक्ति को दिया जाए जितने दिन की उनको आवश्यकता है। मान के चलिए 5 दिन की आवश्यकता है, उन्होंने लिखा मुझे 5 दिन के लिए दिया जाए इसको, तो 5 दिन के लिए दिया जाए तो उनको बताना पड़ेगा कि आखिर 5 दिन क्यों दिया जाए। प्राइमा फेसाई केस भी साबित करना पड़ेगा कि इस व्यक्ति का इसमें इन्वॉल्वमेंट आ रहा है इन सब चीजों से। इन सब चीजों पे सुनने के बाद और दूसरे पक्षकार को भी सुनने के बाद, उनके काउंसिल की बातों को भी सुनने के बाद कोर्ट डिसाइड करेगी कि कितने दिन का इनको पुलिस रिमांड दिया जाना है। लोकल अगर इन्वेस्टिगेशन करना है लोकल एरिया में ही, उस केस में जो कोर्ट होती है 1 से 2 दिन का पुलिस रिमांड देती है। अगर आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जाना है तो दूरी के हिसाब से रिमांड की जो समय है वो बढ़ सकता है। अब रिमांड दिया गया तो इसके बाद सबसे बड़ा डर यह है कि रिमांड लेकर जाएगी पुलिस तो मारपीट करेगी, तो क्या बचाव क्या है? देखिए बचाव है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है डीके बसु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इसमें एक बहुत बढ़िया बात लिखी गई है कि अगर अरेस्ट होने के बाद पुलिस रिमांड के वक्त अगर जो व्यक्ति एक्यूज जो व्यक्ति है वह यह डिमांड करता है कि मेरा फिजिकल एग्जामिनेशन कराया जाए, तो कराना पड़ेगा फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब कि मेरे शरीर पे मारपीट के कोई निशान है या नहीं है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन
रिपोर्ट तैयार होगी इन्वेस्टिगेशन अफसर के द्वारा, जिसमें यह लिखा जाएगा कि इसके शरीर पे कोई चोट के निशान है या नहीं है। अगर चोट के निशान नहीं है तो रिपोर्ट में आ जाएगी और एक कॉपी कोर्ट में जमा होगी। एक कॉपी जो होगी वह इनके नियरेस्ट जो हैं, जो रिलेटिव हैं, उनको दी जाएगी, जिससे यह चीज़ तो क्लियर हो जाएगी कोर्ट के निशान के सामने कि इस व्यक्ति के शरीर पे किसी भी तरीके का चोट का निशान नहीं है। दूसरी चीज यह है कि जो उनके वकील साहब हैं उनको यह चीज बोलनी चाहिए कि मुझे यह अंदेशा है कि पुलिस रिमांड में इस व्यक्ति के साथ मारपीट की घटना हो सकती है, तो हर 24 घंटे में कुछ समय मुझे ऐसा दिया जाए जिससे मैं इससे मोबाइल से बात कर सकूं, आईओ से मैं फोन से, आईओ के फोन पे मैं बात कर लूं और आईओ साहब मुझे बात करवा दें। जो भी समय जज साहब ग्रांट करें मुझे थोड़ा समय दिया जाए। इसका मतलब ये होता है कि अगर कुछ ऐसी घटना होगी तो पॉसिबिलिटी है कि शायद वह मुझे बता दे, संभावना कम है क्योंकि वह पुलिस की कस्टडी में होगा, लेकिन इंडिकेशन दे सकता है या उसकी बातों से लग सकता है कि कुछ ऐसी चीजें नॉर्मल चल रहा है या एबनॉर्मल चल रहा है, एक संभावना बनी रहती है। तो अगर कुछ ऐसी चीजें अगर आ जाती हैं कि कोई व्यक्ति बोलता है कि नहीं मुझे मारा जा रहा है, तो उसके उसकी रिकॉर्डिंग के बिहाव पे वकील साहब कोर्ट को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जिससे कोर्ट जो संबंधित जो पुलिसकर्मी हैं उनके अफसर जो हैं, हायर जो अफसर हैं, उनसे रिपोर्ट कॉल कर सकती है या इसकी इंक्वायरी करवा सकती है। और डिपार्टमेंटल एक्शन के बारे में भी कर सकती है। तो जब यह दोनों चीज हो गई और तीसरी जो गाइडलाइन है वो मेडिकल से संबंधित है, मेडिकल तो करवाना ही है 48 आवर्स में उस व्यक्ति का पुलिस रिमांड में अगर है तो, ये तीन चीजें अगर रिकॉर्ड पे आ गई तो अगर तीनों चीज है, फिजिकल एग्जामिनेशन, काउंसिल के साथ जो डिस्कशन है और मेडिकल एग्जामिनेशन तो सब में होता ही होता है, तो संबंधित आईओ हैं, कन्फर्म लिख के देता हूं मारपीट घटना नहीं होगी अगर ये तीनों चीजें हैं, खासकर फिजिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट बनाई गई है तो। मेडिक जो मेंटल हैरेसमेंट है, मानसिक शोषण की जो बात आ रही है, उसके लिए तैयार होना पड़ेगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की पार्ट है, पुलिस को उस चीज की रिकवरी करनी है, पुलिस क्वेश्चनिंग करेगी, रिप्लाई नहीं देंगे, पुलिस टॉर्चर करती है, मानसिक रूप से करेगी, उसके लिए आपको तैयार रहना भी पड़ेगा जो भी रिमांड में जा रहा है। नहीं करती अच्छी बात है, लेकिन ऐसा रेयर केस में होता है। बट इन्वेस्टिगेशन पूरी करने के बाद जब पुलिस वापस लेके आती है देने के लिए कोर्ट में, जो पुलिस रिमांड को अवधि जब खत्म हो जाती है, तो अगर किसी के साथ कोई ऐसा अगर ऐसी घटना घटी है तो पुलिस तो धमका के लेकर आती है कि हम भी और कोर्ट भी सब एक ही हैं, ऐसा है वैसा कुछ बातें बोलती हैं, दिमाग से निकल के फेंक दीजिएगा ये चीज़। कोर्ट एक सेपरेट चीज़ है, इंडिपेंडेंट पार्ट है। अगर पुलिस ने कोई ऐसा एक्ट किया है तो आपको कोर्ट में जज साहब को बताना ही बताना है, बताना चाहिए, इसमें छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी कोई छुपाता है वह उस व्यक्ति का मनोबल बढ़ा रहा है, वह व्यक्ति आगे जाके ऐसा काम करेगा। अगर वो करके कोई निकल गया पुलिस वाला, बताइए जरूर चीज को। बेशक कोई बॉडी पे निशान नहीं आ रहे हैं, बेशक कोई मेडिकली कोई ऐसी चीज नहीं आ रही है, लेकिन किसी ने अगर मैन हैंडलिंग किया है, किसी को मारा है, बताना चाहिए कि मेरे साथ मारपीट घटना हुई है, और बाय नेम बताना चाहिए। इसका सबसे बड़ा असर होता है कि जो भी पुलिसकर्मी उसमें होता है इन फ्यूचर के लिए अलर्ट रहता है। अगर नहीं बताते हैं तो उसका मनोबल बढ़ता है और आगे वही मनोबल आगे जाके बड़ी बड़ी घटनाओं में कन्वर्ट हो जाता है। वहां पर जब रिमांड पूरी होने के बाद जब देते हैं तो उसके बाद जो संबंधित आयु है वो जुडिशियल कस्टडी के लिए, जो 14 दिन के लिए होती है, उसकी एप्लीकेशन लगा देते हैं। और जुडिशियल कस्टडी की हर 14 दिन पे यह एप्लीकेशन लगाई जाती है एक्सटेंशन कराने के लिए, जब तक उस व्यक्ति की बेल नहीं हो जाती है। तो मैंने इस वीडियो में आपको रिमांड से संबंधित जो जानकारी दी, मेरे हिसाब से आपके लिए बेनिफिशियरी होगी ये नॉलेज। फिर भी कुछ चीज़ें अगर छूट रही हैं
तो बताइएगा कमेंट के माध्यम से, प्रयास करूंगा कि उसकी रिप्लाई मैं जल्द से जल्द दे सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।